अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ, ये है मेरे पास मलाई जो कि मैंने जमा की हुई थी, और अब इसका मैं पहले बनाऊँगी मक्खन, उसके बाद मैं बनाऊँगी घी। तो आप एंड तक देखिएगा कि इसको मैं कैसे बनाती हूँ। ये मलाई मैं अब इसमें डाल रही हूँ, ये बाल्टी है, ठीक है, आधी मैंने इसमें डाल दी है पहले ही, ठीक है। करूंगा और मैं भी करूं। अब जो है इसमें मैं ठंडा पानी ऐड करूंगी थोड़ा सा, और अब इसको हम बीटर की मदद से बीट कर देंगे। इसको भी हम बीट कर रहे हैं, जब तक हमारा मक्खन तैयार नहीं हो जाता तब तक हम इसको बीट करते रहेंगे। ये देखें जी, पेड़ा हमारा तैयार। इस तरह के दो तीन और बने हैं, मैं साइड पर रखती गई हूँ। ये हमारा मक्खन तैयार हो गया है। आप लोग भी घर में इस तरह से मक्खन तैयार कर सकते हैं मलाई की मदद से। ये देखिए, ये देखिए, ये मक्खन के पेड़े, ये देखें जी कितना प्यारा मक्खन तैयार हो गया है हमारा। और ये रही लस्सी, गांव में तो अमूमन ऐसे करते हैं, इस लस्सी से सर धो लेते हैं, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि खुश्की वगैरह नहीं होती बालों में, अगर इस लस्सी से सर धोया जाए तो। मैं तो वेस्ट कर देती हूँ, मैं नहीं इसको सर वगैरह धोती इससे, ठीक है। अब ये है मक्खन जी, मैंने यहाँ एक पैन लिया है, और अब मैं इसमें ये अपने जो मैंने बनाया है मक्खन वो इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये अब मेल्ट होगा थोड़ी देर, जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है एक चम्मच जो है खाने का जो हम लोग आटा यूज़ करते हैं वो इसमें डाल देंगे। कुछ लोग आटा डालते हैं, कुछ लोग सूजी डाल देते हैं, और कुछ लोग वो डालते हैं मेथी, मेथी दाना, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ना ये यमी लग रहा है, ये देखें ये मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ये इतना सा आटा ऐड कर देंगे, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग चमचा हिलाएंगे, और पानी हमारा जो इसमें पानी है वो सूख जाएगा, और घी हमारा अलहदा से हो अलहदा हो जाएगा बिल्कुल। इसको अभी हमें टाइम लगेगा, हम इसको पकने देते हैं। हम ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा घी ऊपर आ रहा है, ये देखें। अच्छा, हम लोग कितने नाशुक्र हैं, हम लोगों ने कभी शुक्र अदा नहीं करते। ये देखें, अल्लाह पाक की एक नेमत है ये भी, दूध, दूध से फिर हम निकालते हैं मलाई, मलाई से फिर मैंने निकाला मक्खन, मक्खन से हम निकाल रहे हैं हम घी। ये एक नेमत ही है, लेकिन हम लोग शुक्र अदा नहीं करते। तो जितना हो सके शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको ये चीज़ें मैसर नहीं हैं, तो बस जितना हो सके शुक्र अदा किया करें। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गया है, और ऊपर झाग गया, लेकिन नीचे इसका घी बिल्कुल, ये देखें, रेडी हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसको बंद कर देंगे,
थोड़ी देर में अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको छान लेंगे। और ये घी हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। ये देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, इसके ऊपर से झाग उतर हट गई है। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं, ये ठंडा भी हो गया है थोड़ा सा, तो अब हम इसको छान लेंगे। और ये देखें, ये सारा ऑयल है, देसी घी है। ये देखें इसमें से घी मैंने निकाल दिया है। अच्छा, ये जो बच गया है इसमें भी हम चीनी डाल के इसको खा सकते हैं, बिल्कुल भी इसको वेस्ट ना करें। आप बच्चों को खिला दें, खुद खा लें, मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो बच्चों को खिला दूँगी खाया तो।